हाय फ्रेंड्स, आप सबको फिर से कन्नड़ा क्लास में स्वागत है। आज हर रोज प्रयोग होने वाला छोटे छोटे प्रश्नों को सीखते हैं। तो व कौन है, व कौन है, व उसको कन्नड़ा में अवनु पुल्लिंग में, अवलु स्त्रीलिंग में बोलते हैं। तो व इसको अवनु पुल्लिंग में बोलते हैं तो अवलु स्त्रीलिंग में। तो कौन उसको यारु, कौन यारु, तो व कौन है, अवनु यारु पुल्लिंग में, अवलु यारु स्त्रीलिंग में बोलते हैं। तो इसी तरह य कौन है, य इसको कन्नड़ा में इवनु पुल्लिंग में, इवलु स्त्रीलिंग में बोलते हैं। तो य कौन है, इसको इवनु यारु पुल्लिंग में, वही इवलु यारु स्त्रीलिंग में बोलते हैं। तो अवनु अवलु इवनु इवलु एक वचन में प्रयोग किया जाता है। जहां क्लोजनेस से प्यार है, जैसा फ्रेंड सर्कल हो गया, तो घर में जो अपने से छोटे हैं तो उनके लिए प्रयोग किया जाता है। जब बाहर में किसी व्यक्ति से, महिला हो या पुरुष हो, उनसे जब हम बात कर रहे हैं तब हम अवनु अवलु इवनु इवलु का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि ये एक वचन है। हम किसी से बात कर रहे हैं तो हम उनसे आदर से बात करेंगे, रेस्पेक्टिव वे में बात करेंगे, पोलाइट वे में बात करेंगे। तो इसलिए ये एक वचन का अवनु अवलु इवनु इवलु का प्रयोग नहीं करेंगे। तो हम उनसे नाम से बुला सकते हैं, नाम से एड्रेस कर सकते हैं, नहीं तो वे ए का प्रयोग कर सकते हैं। तो हम अवनु अवलु इवनु इवलु का प्रयोग नहीं करेंगे। जब अपने से छोटे है या फ्रेंड सर्कल है, प्यार है, क्लोजनेस है, तब हम प्रयोग करते हैं। तो इसलिए जब आप अवनु अवलु इवनु इवलु का प्रयोग करते हैं तो ध्यान से कीजिएगा। तो वह कौन है, अवनु यारु पुल्लिंग में बोलते हैं, तो अवलु यारु स्त्रीलिंग में, वही य कौन है, इवनु यारु पुल्लिंग में, इवलु यारु स्त्रीलिंग में बोलते हैं। तो वे कौन है, वे कौन है, तो वे उसको अवरु बोलते हैं। तो कौन है यारु, वे कौन है, अवरु यारु, वही ये कौन है, इवरु यारु, ये को इवरु बोलते हैं। तो ये कौन है, इवरु यारु। तो वह कौन था, आप पास्ट टेंस में बोलना चाह रहे हैं, तो वह कौन था, उसको कन्नड़ा में अवनु यारु पुल्लिंग में बोलते हैं, वही अवलु यारु स्त्रीलिंग में बोलते हैं। तो इधर भी, तो वह कौन था, उसको अवनु यारु पुल्लिंग में बोलते हैं, तो वही वह कौन थी, उसको अवलु यारु स्त्रीलिंग में बोलते हैं। वही वे कौन थे, वे कौन थे, तो वे को अवरु बोलते हैं। तो कौन थे यारु, तो वे कौन थे, अवरु यारु बोलते हैं। तो इधर व कौन है, व कौन था या व कौन थी, तो उसको कन्नड़ा में अवनु यारु पुल्लिंग में बोलते हैं, तो अवलु यारु स्त्रीलिंग में बोलते हैं। तो इसी तरह वे कौन है या वे कौन थे, उसको कन्नड़ा में अवरु यारु बोलते हैं। तो इसी तरह य कौन था, तो य कौन था, उसको इवनु यारु बोलते हैं। य कौन था, इवनु यारु, य कौन थी, इवलु यारु। तो ये कौन थे, उसको कन्नड़ा में इवरु यारु बोलते हैं। तो वह कब आया, वह कब आया, कब उसको यावा का बोलते हैं, वही आया उसको बंधनु बोलते हैं, आया बंधनु। तो वह कब आया, अवनु यावा बंधनु बोलते हैं। ये अवनु यावा बंधनु, ये पढ़ने लिखने का शैली हो गया, बात करने में, स्पोकन में हम वह कब आया उसको अवनु यावा बंधा बोलते हैं, अवनु यावा बंधा। तो अवनु यावा बंधा, फिर इधर ये एक क्वेश्चन में प्रयोग कर रहे हैं। इसलिए आप जब इसको प्रयोग करना है फ्रेंड सर्कल में, घर में आपसे जो छोटे हैं तो उनके लिए प्रयोग किया जाता है, तो सबके लिए प्रयोग नहीं किया जाता है। तो वह कब आया, उसको कन्नड़ा में अवनु यावा बंधनु बोलते हैं, अवनु यावा बंधनु। ये पढ़ने लिखने के शैली में हो गया, स्पोकन में क्या बोलते हैं, स्पोकन में अवनु यावा बंधा बोलते हैं। इधर बंधनु को बंधा करके प्रयोग करते हैं। तो वह कब आया, उसको अवनु यावा बंधा, ये पुल्लिंग में बोलते हैं। तो वह कब आई, स्त्रीलिंग में, वह कब आई, तो अवलु यावा बंधलु बोलते हैं। तो वह अवलु कब यावा आई बंधलु, तो वह कब आई, उसको अवलु यावा बंधलु बोलते हैं। तो बंधलु ये पढ़ने लिखने का शैली हो गया, स्पोकन में बंधलु उसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, तो बंधलु उसको बंधलु करके बोलते हैं, बंधलु बंधलु। तो वह कब आई, उसको अवलु यावा बंधलु बोलते हैं। तो वह कब आया, अवनु यावा बंधा, वह कब आई, अवलु यावा बंधलु बोलते हैं। तो आप कब आए, आप कब आए, आपको नीव कब यावा आए बंद्री, इधर बंद्री का प्रयोग होता है। जब आप आदर से बोल रहे हैं तो बंद्री का प्रयोग करते हैं। तो आप कब आए, नीव यावा बंद्री बोलते हैं। वही वे कब आए, वे कब आए, वे को अवरु बोलते हैं। कब आए यावा बंद्रु, तो वे कब आए, उसको कन्नड़ा में अवरु यावा बंद्रु बोलते हैं। तो इसी तरह आप इधर य का प्रयोग कर सकते हैं, य कब आया, इवनु यावा बंदा,
या कब आए, इवळु यावाग बंदलु, वही ये कब आए, इवरु यावाग बंदरु बोलते हैं। तो वह कब गया, तो गया उसको होदनु बोलते हैं, गया होदनु, कब गया यावाग होदनु, तो वह कब गया अवनु यावाग होदनु बोलते हैं। ये होदनु फिर पढ़ने लिखने का शैली में हो गया, स्पोकन में होदा बोलते हैं। तो वह कब गया उसको खनड़ा में अवनु यावाग होदा। तो वह कब गई स्त्रीलिंग में बोलना है तो वह कब गई अवलु यावाग होदलु बोलते हैं, गई उसको होदलु बोलते हैं। तो वह कब गई उसको अवलु यावाग होदलु, होदलु पढ़ने लिखने के शैली में हो गया, स्पोकन में क्या बोलते हैं होदलु बोलते हैं। तो वह कब गई उसको अवलु यावाग होदलु बोलते हैं। तो वह कब गया अवनु यावाग होदा, वह कब गई अवलु यावाग होदलु बोलते हैं। तो आप कब गए, आप कब गए इधर आपको नीव, कब गए यावाग होदरी। तो आप कब गए नीव यावाग होदरी, वही वे कब गए तब अवरु यावाग होदरु बोलते हैं। तो वे कब गए अवरु यावाग होदरु। तो इसी तरह आप बोलना चाहेंगे यह कब गया, तो इवनु यावाग होदा, यह कब गई इवनु यावाग होदलु, तो ये कब गए इवरु यावाग होदरु बोलते हैं। तो वह कब आया था, तो वह कब आया था आप पास्ट टेंस में बोलना चाह रहे हैं। तो वह कब आया था, तो वह को अवनु कब यावाग आया था बंदिदनु, वह कब आया था अवनु यावाग बंदिदनु बोलते हैं। तो वह कब आया था अवनु यावाग बंदिदनु ये पुल्लिंग में बोलते हैं। तो बंदिदनु फिर ये पढ़ने लिखने का शैली हो गया, स्पोकन में क्या बोलते हैं स्पोकन में बंदिद्दा बोलते हैं। तो बंदिद्दा ये स्पोकन वर्षन हो गया, बंदिदनु पढ़ने लिखने का शैली में बोलते हैं। तो वह कब आया था उसको खनड़ा में अवनु यावाग बंदिद्दा बोलते हैं, ये स्पोकन वर्षन में हो गया। यदि आप पढ़ने लिखने का शैली में बोलना है तो अवनु यावाग बंदिदनु बोलते हैं। तो वह कब आई थी आप स्त्रीलिंग में बोल रहे हैं, वह कब आई थी उसको अवलु यावाग बंदिद्दलु, तो आई थी उसको बंदिद्दलु बोलते हैं। वही बोलते समय बंदिद्लु थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, बंदिद्लु। सो बंदिद्दलु ये पढ़ने लिखने का शैली हो गया, बंदिद्लु इसको हम स्पोकन वर्षन में बोलते हैं। तो वह कब आई थी अवलु यावाग बंदिद्लु बोलते हैं। तो इसी तरह बोलना चाहेंगे यह कब आया था, तो इवनु यावाग बंदिद्दा, यह कब आई थी इवलु यावाग बंदिद्लु इसको स्पोकन वर्षन में बोलते हैं। तो आप कब आए थे, आप कब आए थे, तो नीव यावाग बंदिद्री, आए थे उसको बंदिद्री बोलते हैं। आप कब आए थे उसको खनड़ा में नीव यावाग बंदिद्री। तो उसी तरह वे कब आए थे, तो उसको अवरु यावाग बंदिद्रु बोलते हैं। तो वे कब आए थे अवरु यावाग बंदिद्रु। तो इसी तरह आप बोलना चाहेंगे ये कब आए थे, ये कब आए थे उसको इवरु यावाग बंदिद्रु बोलते हैं। तो ये कब आए थे इवरु यावाग बंदिद्रु। उसको कब आना है, उसको कब आना है, आना उसको कन्नड़ा में बरुदु बोलते हैं, आना बरुदु, आना है इधर बरबेकु बोलते हैं, आना है बरबेकु। तो उसको कब आना है, तो उसको कन्नड़ा में अवनु पुल्लिंग में बोलते हैं, तो अवलु स्त्रीलिंग में बोलते हैं। तो उसको कब आना है, तो अवनु यावाग बरबेकु पुल्लिंग में बोलते हैं, तो अवलु यावाग बरबेकु स्त्रीलिंग में बोलते हैं। तो उसको कब आना है पुल्लिंग में अवनु यावाग बरबेकु, वही स्त्रीलिंग में अवलु यावाग बरबेकु बोलते हैं। वही उनको कब जाना है, आप आदर से बोल रहे हैं उनको कब जाना है, उनको तो अवरु बोलते हैं, उनको को अवरु, कब आना है यावाग बरबेकु, तो उनको कब आना है, तो अवरु यावाग बरबेकु बोलते हैं। तो इधर आना है तो पुल्लिंग में हो या स्त्रीलिंग में हो या आप आदर से बोल रहे हो, तो तीनों के लिए इधर बरबेकु करके बोलते हैं, आना है उसको बरबेकु। तो उसको कब आना है अवनु यावाग बरबेकु पुल्लिंग में, अवलु यावाग बरबेकु स्त्रीलिंग में, वही उनको कब आना है अवरु यावाग बरबेकु बोलते हैं। तो उसको कब आना था, आपको कब आना था, उनको कब आना था, आप पास्ट टेंस में पूछना चाह रहे हैं। तो उसको कब आना था, तो उसको अवनु पुल्लिंग में बोलते हैं, तो उसको कब आना था, तो अवनु यावाग बरबेकित्तु बोलते हैं, आना था उसको बरबेकित्तु, आना बरुदु बोलते हैं, आना था उसको बरबेकित्तु बोलते हैं, आना था बरबेकित्तु। तो उसको कब आना था,
ಅವನು ಯಾವಾಗ ಬರಬೇಕಿತ್ತು ಈ ಪುಲ್ಲಿಂಗ್ ಮೇ ಬೋಲ್ತಾ ಹೇ ವಿ ಅವಳು ಯಾವಾಗ ಬರಬೇಕಿತ್ತು ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ್ ಮೇ ಬೋಲ್ತಾ ಹೇ ತೋ ಉಸ್ಕೋ ಕಬ್ ಆನಾ ಥಾ ಉಸ್ಕೋ ತೋ ಅವನು ಪುಲ್ಲಿಂಗ್ ಮೇ ಬೋಲ್ತಾ ಹೇ ಅವಳು ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ್ ಮೇ ಬೋಲ್ತಾ ಹೇ ತೋ ಉಸ್ಕೋ ಕಬ್ ಆನಾ ಥಾ ಪುಲ್ಲಿಂಗ್ ಮೇ ಅವನು ಯಾವಾಗ ಬರಬೇಕಿತ್ತು ವಿ ಅವಳು ಯಾವಾಗ ಬರಬೇಕಿತ್ತು ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ್ ಮೇ ಬೋಲ್ತಾ ಹೇ ತೋ ವೈ ಆಪ್ಕೋ ಕಬ್ ಆನಾ ಥಾ ಆಪ್ಕೋ ಕಬ್ ಆನಾ ಥಾ ಉಸ್ಕೋ ಆಪ್ಕೋ ಕೋ ನೀವು ಕಬ್ ಆನಾ ಥಾ ಯಾವಾಗ ಬರಬೇಕಿತ್ತು तो आपको कब आना था नीव यावागा बर्बे कितु बोलते हैं तो वही उनको कब आना था तो उनको को अवरु उनको कब आना था अवरु यावागा बर्बे कितु बोलते हैं तो उनको कब आना था अवरु यावागा बर्बे कितु तो इसी तरह इसको कब आना था पुलिंग में भी बोलना है इसको इवनु बोलते हैं तो इवनु यावागा बर्बे कितु पुलिंग में बोलते हैं तो इवलु यावागा बर्बे कितु स्त्रीलिंग में बोलते हैं तो इनको कब आना था इवरु यावागा बर्बेकितु बोलते हैं तो उसको कब जाना है उसको कब जाना है जाना उसको होगुदु बोलते हैं तो जाना है उसको होगबेको बोलते हैं जाना है होगबेको इधर आना है बर्बेको बोलते हैं आना है बर्बेको वही जाना है होगबेको तो इसी तरह खाना है तिनबेको बोलते हैं खेलना है हाड़बेको बोलते हैं वही पढ़ना है होदबेको बोलते हैं तो इधर जो भी क्रिया प्रयोग कर रहे हैं वर्ब प्रयोग कर रहे हैं तब इधर बेकू का प्रयोग करते हैं तो आना है बर्बेकू जाना है होगबेकू खाना है तिनबेकू पढ़ना है होदबेकू करके बोलते हैं तो उसको कब जाना है अवनु यावाग होगबेकू पुल्लिंग में बोलते हैं तो अवनु यावाग होगबेकू स्त्रीलिंग में बोलते हैं तो उसको कब जाना है अवनु यावाग होगबेकू पुल्लिंग में अवनु यावाग होगबेकू स्त्रीलिंग में बोलते हैं तो आपको कब जाना है आपको कब जाना है आपको को नीवु कब जाना है यावाग होगबेको तो आपको कब जाना है नीवु यावाग होगबेको बोलते हैं तो उनको कब जाना है उनको कब जाना है उनको को अवरु बोलते हैं तो उनको कब जाना है अवरु यावाग होगबेको बोलते हैं तो उनको कब जाना है अवरु यावाग होगबेको तो इसी तरह आप इसको कब जाना है तो इवनु यावाग होगबेको पुल्लिंग में बोलते हैं तो इवरु यावाग होगबेकु स्त्रीलिंग में बोलते हैं तो इनको कब जाना है इवरु यावाग होगबेकु बोलते हैं इनको कब जाना है इवरु यावाग होगबेकु तो उसको कब जाना था आपको कब जाना था तो उनको कब जाना था आप पास्ट टेंस में बोल रहे हैं तो उसको कब जाना था उसको तो अवनु पुल्लिंग में अवनु स्त्रीलिंग में बोलते हैं तो उसको कब जाना था अवनु यावाग होगबेकित्तु ये पुल्लिंग में बोलते हैं तो जाना था होगबेकित्तु बोलते हैं जाना है होगबेकु जाना था होगबेकित्तु तो उसको कब जाना था अवनु यावाग होगबेकित्तु पुल्लिंग में बोलते हैं वही अवनु यावाग होगबेकित्तु स्त्रीलिंग में बोलते हैं तो वही आपको कब जाना था नीवु यावाग होगबेकित्तु आपको कब जाना था ನೀವು ಯಾವಾಗ ಹೋಗ್ಬೇಕಿತ್ತು ವೈ ಉನ್ಕೋ ಕಬ್ ಜಾನಾತ ಅವರು ಯಾವಾಗ ಹೋಗ್ಬೇಕಿತ್ತು ಬೋಲ್ತೆ ಹೇ ತೋ ಇಸಿ ತರ ಇಸ್ಕೋ ಕಬ್ ಜಾನಾತ ಇಸ್ಕೋ ಇವನು ಪುಲ್ಲಿಂಗ್ ಮೇ ಬೋಲ್ತೆ ಹೇ ಇವಳು ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ್ ಮೇ ಬೋಲ್ತೆ ಹೇ ತೋ ಇಸ್ಕೋ ಕಬ್ ಜಾನಾತ ಇವನು ಯಾವಾಗ ಹೋಗ್ಬೇಕಿತ್ತು ಏ ಪುಲ್ಲಿಂಗ್ ಮೇ ಬೋಲ್ತೆ ಹೇ ವೈ ಇವಳು ಯಾವಾಗ ಹೋಗ್ಬೇಕಿತ್ತು ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ್ ಮೇ ಬೋಲ್ತೆ ಹೇ ತೋ ವಹಿ ಇನ್ಕೋ ಕಬ್ ಜಾನಾತ ತೋ ಇನ್ಕೋ ಕೋ ಇವರು ಬೋಲ್ತೆ ಹೇ तो इनको कब जाना था इवरु यावागा होगबेकितु बोलते हैं तुम्हारा घर कहाँ है उसका घर कहाँ है आपका घर कहाँ है उनका घर कहाँ है तो घर उसको कन्नड़ा में मने बोलते हैं घर मने कहाँ है एल्लिदे कहाँ है एल्लिदे बोलते हैं इधर एल्लिदे का प्रयोग हो रहा है क्योंकि घर वस्तु या चीज होता है जब वस्तु या चीज के बारे में बात किया जाता है तो कहाँ है उसको एल्लिदे बोलते हैं जैसे आप बोलेंगे किताब कहाँ है तो किताब को पुस्तका बोलते हैं किताब कहाँ है पुस्तका एल्लिदे बोलते हैं तो उसी तरह पानी कहाँ है तो पानी को नीरु बोलते हैं पानी कहाँ है नीरु एल्लिदे बोलते हैं तो कोई वस्तु या चीज अदर देन ह्यूमन बींग्स के लिए जब कहाँ है बोलते हैं तो उसको एल्लिदे करके बोलते हैं तो घर कहाँ है मने एल्लिदे बोलते हैं तो तुम्हारा घर कहाँ है तो तुम्हारा उसको निन्ना बोलते हैं तो तुम्हारा घर कहाँ है निन्ना मने एल्लिदे बोलते हैं तो वही उसका घर कहाँ है तो उसका अवना पुल्लिंग में बोलते हैं तो उसका घर कहाँ है
ಅವನ ಮನೆ ಎಲ್ಲಿದೆ ಪುಲ್ಲಿಂಗ್ ಮೇ ಬೋಲ್ತಾ ಹೈ ವಹಿ ಅವಳ ಮನೆ ಎಲ್ಲಿದೆ ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ್ ಮೇ ಬೋಲ್ತಾ ಹೈ ಅವಳ ಮನೆ ಎಲ್ಲಿದೆ ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ್ ಮೇ ವಹಿ ಆಪ್ಕಾ ಘರ್ ಕಹಾ ಹೈ ತೋ ಆಪ್ಕಾ ನಿಮ್ಮ ಬೋಲ್ತಾ ಹೈ ತೋ ಆಪ್ಕಾ ಘರ್ ಕಹಾ ಹೈ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಎಲ್ಲಿದೆ ವಹಿ ಉನ್ಕಾ ಘರ್ ಕಹಾ ಹೈ ಉನ್ಕಾ ಅವರ ಬೋಲ್ತಾ ಹೈ ತೋ ಉನ್ಕಾ ಘರ್ ಕಹಾ ಹೈ ಅವರ ಮನೆ ಎಲ್ಲಿದೆ ಬೋಲ್ತಾ ಹೈ ತೋ ತುಮಾರ ಘರ್ ಕಹಾ ಹೈ ನಿನ್ನ ಮನೆ ಎಲ್ಲಿದೆ उसका घर कहाँ है अवन मने एल्लिदे पुल्लिंग में बोलते हैं तो अवल मने एल्लिदे स्त्रीलिंग में बोलते हैं तो आपका घर कहाँ है निम्म मने एल्लिदे वही उनका घर कहाँ है अवर मने एल्लिदे बोलते हैं तो इसी तरह का घर कहाँ है इसका तो इवना पुल्लिंग में बोलते हैं इवला स्त्रीलिंग में बोलते हैं तो इसका घर कहाँ है इवन मने एल्लिदे ये पुल्लिंग में बोलते हैं इवल मने एल्लिदे स्त्रीलिंग में बोलते हैं तो वही इनका घर कहाँ है इनका इवरा बोलते हैं इनका घर कहाँ है इवरा मने एल्लिदे बोलते हैं। तो फ्रेंड्स इतना समझ में आ गया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक बटन दबा दीजिए और कमेंट भी कर दीजिए। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।